नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में आधे से ज्यादा वार्डों के नाम बदल दिए गए हैं। गोरखपुर में हुए इस उलटफेर में वार्डों का परिसीमन हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव नाम को लेकर है। जिले में अब वार्डों की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो गई है। इन 80 में से 50 के नाम बदल दिए गए हैं। दरअसल गोरखपुर नगर निगम के परिसीमन के प्रारूप को शासन की मंजूरी मिल गई। इस परिसीमन में 32 गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया है। इन गांवों के नगर निगम में शामिल होने के बाद वार्डों की संख्या 70 से बढ़कर 80 हो गई है। नए बने 10 वार्डों के साथ 40 पुराने वार्डों का नाम महापुरुषों और शहीदों के नाम पर रखा गया है। इनमें भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, फिराक गोरखपुरी, दिग्विजय नाथ के नाम पर कई वार्डों के नाम होंगे। जनप्रिय विहार का नाम दिग्विजय नाथ, घोषीपुरवा का नाम राम प्रसाद बिस्मिल, शेखपुरा वार्ड गीता प्रेस के नाम से अब जाना जाएगा। मोहदीपुर में सिख समुदाय की अधिक आबादी को देखते हुए इसका नाम भगत सिंह वार्ड कर दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में 11 जिलों के नाम बदल दिए गए। जनवरी 2022 की आरटीआई के जवाब में यूपी सरकार की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बताया था कि अखिलेश यादव की सरकार ने 11 जिलों के नाम बदले, वहीं योगी सरकार ने 2 जिलों के ही नाम बदले। गोरखपुर में वार्डों के नाम बदलने से पहले योगी सरकार ने सिर्फ 2 जिलों के नाम बदले, जिसमें अक्टूबर 2018 में इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया और फिर फैजाबाद को बदलकर अयोध्या कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश की सरकार जिसने 2012 से 2017 तक राज किया, उस सरकार ने जुलाई 2012 में एक बार में ही 8 जिलों के नाम बदल दिए। अपनी सरकार के आखिरी साल में सपा सरकार ने संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोही कर दिया। यानी जहां तक जिलों के नाम बदलने की बात है, तो अखिलेश अपने काल में योगी से कई गुना आगे दिखाई दिए। वैसे योगी राज में केवल उन्हीं शहरों के नाम बदले या बदलने का प्रस्ताव किया गया जो मुस्लिम राजाओं या मुस्लिम रईसों के नाम पर हैं या जिनके उर्दू नाम हैं, इन्हें हिंदू या संस्कृत नामों से बदल दिया जाता है और यही विवाद की जड़ भी है। वैसे नाम बदलने की पहल पर केंद्र अपना पल्ला झाड़ नहीं सकता। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक जब एक राज्य सरकार को नाम बदलने की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसे गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। संबंधित एजेंसियों के परामर्श के बाद मंत्रालय यह निर्धारित करेगा कि वह निर्देशों का अनुपालन करता है या फिर नहीं। केवल जब गृह मंत्रालय राज्य सरकार को एनओसी जारी करता है तो नाम बदल सकता है। वैसे क्योंकि ये निर्देश परंपरा और ऐतिहासिक महत्व की रक्षा करने के मकसद से बनाया गया है, इसलिए रायशुमारी भी बेहद जरूरी है जो केंद्र करेगा। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो कम से कम राज्य सरकार को लोगों की राय जाननी ही चाहिए। वैसे गृह मंत्रालय के निर्देश में इस बात पर भी जोर है कि जब तक कोई बहुत विशेष कारण ना हो, उस नाम को बदलना वांछनीय नहीं है और ऐतिहासिक जुड़ाव वाले गांवों आदि के नाम जहां तक हो नहीं बदले जाने चाहिए। क्या इन मानकों का राज्य सरकार पालन कर रही है, ये भी बड़ा सवाल है और आज का यही हमारा मुद्दा। तो आइए आपको सुनाते हैं कि बीजेपी और सपा के नेताओं का इस मसले पर क्या कुछ कहना है। देखिए, गोरखपुर नगर निगम का परिसीमन किया गया है और ये बहुत दिन के बाद किया गया है। हमारी आबादी बढ़ी है और सेवा विस्तार के लिए ये परिसीमन करना बहुत ही जरूरी था। 32 गांव शामिल हुए हैं, 3200 गांव को जोड़कर 10 वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ हम बेहतर से बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोगों ने वार्ड को बढ़ाया है और हम बेहतर सुविधा शहरवासियों को नए वार्ड और पुराने वार्ड दोनों मुहैया कराएंगे और किसी तरह का कोई परिवर्तन पुराने वार्डों में नहीं किया गया है। एक आध वार्डों में थोड़ा बहुत किया गया है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी को इस बात पर एतराज है और गोरखपुर के महानगर के वासियों को भी एतराज है कि जो वार्डों का नाम
रखा गया, उसमें बहुत से महान पुरुष गोरखपुर में जो पैदा हुए, जिन्होंने गोरखपुर की तरक्की और विकास का एक लंबा योगदान रहा है, उन लोगों का नाम से वार्डों का नाम नहीं रखा गया। कुछ ऐसे भी नाम रखे गए हैं जिनका गोरखपुर की राजनीति में या गोरखपुर के विकास में या समाज में किए गए कार्यों में कोई योगदान नहीं रहा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जैसे गोरखपुर के अंदर वीर बहादुर सिंह नाम बहुत बड़ा नाम माना जाता है, उनके नाम से वार्डों का नाम होना चाहिए था। तो आज के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कंचन द्विवेदी हैं, इसके साथ ही सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का खास कार्यक्रम में। पहला सवाल कंचन जी आपसे कि यूपी सरकार जिस तरह से स्थानों के नाम बदल रही है, इसके पीछे तर्क क्या है? जी रेशमा जी, देखिए बात यह है ना कि आप कहाँ से शुरू करती हैं और आप अपना काम जो जहाँ से शुरू कर रही होती है आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरा करता है ना तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है। ये वही प्रक्रिया हो गई कि आप करें तो सब अच्छा और दूसरा करे तो अच्छा नहीं, जबकि आप क्या कर रहे हैं कि सोचने वाली बात है। आदरणीय योगी जी ने जिन जिलों के नाम बदले हैं वो पहले उनसे संबंधित थे कि उनका नाम तरीके से किया गया जो ठीक नहीं था, इसमें बिल्कुल भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जो आदरणीय अखिलेश जी ने किया उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो चीजें गलत लोगों ने बदली। बाकी आदरणीय योगी जी तो वही कर रहे हैं जो पहले से था, जो हमारी संस्कृति में था, जो हमारे भारत के संविधान से जुड़ता है, जो हमारी जी कंचन जी, कंचन जी आप कह रही हैं कि दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पर है। तमाम जो पार्टी हैं आपकी विपक्षी पार्टियां उनको भी दिक्कत हो रही है और बहुत सारे जो आम जनता है उनको भी यहाँ पर दिक्कत हो रही है। दिक्कत ये है कि भाई अगर आप नाम बदल ही रहे हैं तो वो नाम भी बदलिए ना जो अंग्रेजों ने रखे थे। अंग्रेजों के शासनकाल में जो नाम बदले गए हमारे भारत के, वो तो आपने एक भी परिवर्तन यहाँ पर नहीं किया, लेकिन मुगलों ने जो नाम रखे उनको आप बदल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर अंग्रेज और मुगल की बात नहीं है, ये हमारे भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात। तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना, वही तो हम भी कह रहे हैं। अगर भारत की सभ्यता भारत की संस्कृति की बात कर रहे हैं तो मुगलों के द्वारा जो नाम बदले गए भारत के, उन शहरों के नामों को आप बदल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम वो भी थे ना जिस दौरान अंग्रेजों ने शासन किया, वो नाम क्यों नहीं बदले जा रहे हैं आपकी तरफ से? जो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे वो मुगल का हो, चाहे वो अंग्रेज का हो, चाहे फिर वो हिंदू का ही क्यों। चलिए मैं इसका जवाब ले लेती हूँ, मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। भुवन जी, देखो जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, एक पारा निश्चित तौर पे धर्म विशेष लोग टारगेट करते हैं और जो भारत की जो तहजीब है, गंगा की तहजीब है, उस पर उनका हमला होता है तो लोग आवाज आ रही है आपको? जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। भुवन जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप अपना जवाब रखिए। हेलो कंचन जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ मुझे मिल रही है, एक सेकंड थोड़ा। जी जी चलिए आप अपनी बात कंप्लीट करिए। जी जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, मैं यहाँ पर अंग्रेजों के कार्यकाल की बात कर रही थी। जी अंग्रेजों के कार्यकाल मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज का कार्यकाल हो या फिर मुसलमान का कार्यकाल हो, यहाँ इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ ये मतलब है कि जो हमारे भारत के लिए उचित है और जो हमारे लिए है वो हमें करना ही है, चाहे फिर वो किसी का कार्यकाल का काम हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो कंचन जी मेरा सवाल तो यही था ना कि जो भारत के लिए अच्छा है आप नाम बदल रहे हैं, तो आप नाम वो क्यों नहीं बदल रहे हैं जो अंग्रेजों के शासन काल में नाम बदले गए भारत के, वो क्यों नहीं बदल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी होगा। तो आप मुझे बताइए ना, एक दो उदाहरण तो दे दीजिए। 1858 मैं आ रही हूँ, मैं अवध पर ही आ जाती हूँ। 1858 की क्रांति में निहत्तों पर गोली चलाई गई, आपको मालूम ही होगा, ज्ञात ही होगा। ऐसे में जो अंग्रेज है होप ग्रांड, उनके नाम पर आज भी पार्क बना हुआ है, उसका नाम आपने अभी तक नहीं बदलवाया।
ऐसे अंग्रेजों के नाम पर पार्क बने हुए हैं, उनका नाम आप चेंज नहीं करवा रहे हैं। चीजें होती हैं भुवन जी, आवाज मिल रही है आपको? चीजें नहीं, और अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं रेणु जी जिनको बदलना बाकी है और उनको बदलना। मेरा नाम मत बदलिए कंचन जी, मेरा नाम रेणु नहीं, मेरा नाम रेशु है, कम से कम मेरा नाम छोड़ दीजिए। अब मैंने सुन लिया जी। भुवन जी मिल रही है अब आपको आवाज? भुवन जी आवाज मिल रही है आपको? रेशु जी आवाज आपकी साइड से चली गई थी, सिर्फ अपनी बात नहीं रख पाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आई है, जो गंगा जमुना तहजीब है हमारी उत्तर प्रदेश की, वो निश्चित तौर पे इनके हमले में रहती है और इनको निश्चित तौर पे दिखाई देता की लगातार उन पे हम लोग बात करें, विकास के मॉडल पे बात करें, हमारी क्या क्या योजनाएं युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, बेरोजगारों के लिए, उस पर चर्चा नहीं करती है। निश्चित तौर पे जो नाम हटाने का इनका जो अभिप्राय है, इसका मतलब होता है कि केवल एक धर्म विशेष को टारगेट करें, और निश्चित तौर पे उनकी भावनाएं रहती है कि लोगों का जो ध्यान है उन मुख्य मुद्दों पर ना जाए, चाहे वो महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे वो युवाओं की परीक्षा लीक है। लगातार इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए योगी सरकार इस तरह करती है। और आज एक बड़ा फेमस बात आज प्रचलन है आम समाज में, कहते हैं अगर आप लखनऊ जाए तो हो सकता है आपका योगी जी आपका नाम बदल के देंगे। इस तरह का उपहास भी आज की सरकार में बढ़ाया जाता है। निश्चित तौर पे जो भारत है वो भारत का स्वरूप इस प्रकार का है कि इसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को, उनके नामों को और उनसे जुड़े लोगों को, उनके जो आपके आस्था के लोग हैं या जो उनके लीडर्स हैं, उनके नामों से उस शहर की पहचान हो। निश्चित तौर पे ये अपने मनमाफिक पिच तैयार करने के लिए और एक टारगेट, एक धर्म विशेष जो रहता है उसके लिए नाम बदलने का एक अभिप्राय उन्होंने चला रखा है, जो कि उत्तर प्रदेश के हित में नहीं। अच्छा, तो आपकी सरकार को तो बिल्कुल पाक साफ है यहाँ पर। भुवनेश्वर जी, आपकी सरकार ने तो जैसे नाम बदले ही नहीं, अगर रिकॉर्ड उठाकर देखें हम तो योगी सरकार से ज्यादा तो आपके शासन में नाम बदल दिए गए। सिर्फ एक साल की अगर मैं बात करूं तो 2012 में ही 8 जिलों के नाम बदले गए, आपको क्या जरूरत पड़ गई थी? हमारा जो हमारी समाजवादी पार्टी का जो हमेशा एक होता है कि हम लोग सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों को साथ लेके चलने का काम करते हैं। सर, नाम बदलने की जरूरत ही क्या पड़ गई थी, आप ये बता दीजिए ना सीधा सीधा एक साल के अंदर, क्योंकि आप लगातार बीजेपी पर तो आरोप लगा रहे हैं, आप अपनी पार्टी के बारे में भी तो बताइए। एक साल के अंदर आपने 8 जिलों के नाम बदल दिए। विषय पर आ रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ जो भी हमने नाम बदले वो निश्चित तौर पे वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ के जो लोग हैं उनके अनुरूप, ताकि उन लीडरों को, उनके जो ऐसे फॉलोवर है उन लोगों को एक न्याय मिल सके, उनको ये लगे कि ये हमारे आइडियल है और इनको सम्मान दिया जा रहा है। इस दिशा में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार से काम करना था। अच्छा, कंचन जी कुछ कहना चाह रही हैं जी? कंचन जी मैं एक सेकंड ओके। लेकिन निश्चित तौर पर हमारा मानना ये, धर्म विशेष को टारगेट करके निश्चित तौर पर नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, जो कि देश के संविधान के स्वरूप के खिलाफ। जी कंचन जी, रेशु जी एक बात बताइए मुझे, सॉरी एक बात मुझे बता दीजिए बस। भुवन जोशी जी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या करें, भुवन जी थोड़ा सा बेचारे मुझे लगते हैं इस चीज में, अब उनको जवाब देना ही है कहाँ से ला करके दे। वो भी ये बात जानते हैं कि आवरणी अखिलेश जी ने जो भी नाम बदले हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी, वहां की संस्कृति से कुछ मिलता ही जुलता नहीं है। और जो योगी जी ने नाम बदले हैं, सपोज मैं चलो फैजाबाद की बात कर लेती हूँ, फैजाबाद का नाम कब बदला गया और पहले की संस्कृति में देखा जाए तो फैजाबाद क्या था, और जो बदल करके अब आदरणीय योगी जी ने किया है वो फैजाबाद ही पुराना, मतलब ये जो फैजाबाद का नाम था वो तो बीच में बना दिया गया ना, तो उसकी आवश्यकता नहीं थी। हमारा तो अवध था ना, और अवध के हिसाब से देखा जाए तो जो अब नाम चेंज हुआ है वो बिल्कुल राइट है और वो सही है, होना चाहिए। ये जो बीच में बदलाव हुए हैं यही तो हटाए जा रहे हैं। और जो अखिलेश जी ने नाम किए हैं, आप मुझे बताइए कि वो जो शहर अभी आप ही भूमिका में बता रही थी कि उस शहर के नाम भदोही का क्या मतलब होता है, आप कह रहे हैं कि वहां की संस्कृति से मिलता जुलता, संत कबीर नगर इतना बढ़िया नाम था, लेकिन आपने इसको क्यों बदल दिया? और अब क्या हो रहा है, आदरणीय योगी जी उन शहरों का नाम हमारे किसी या तो
स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखे जा रहे हैं या चौराहे स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखे जा रहे हैं, शहीदों के नाम पर रखे जा रहे हैं या हमारे देश के वीर लोग या फिर हमारे महापुरुषों के नाम पर रखे जा रहे हैं, तो इसमें तो किसी को विरोध ही नहीं होना चाहिए। और रही जनता की बात, जनता इन सारी चीजों को समझती है और जनता को बहुत खुशी हो रही है कि जो जिस स्ट्रक्चर का था अब वो फिर से क्लियर हो पा रहा है। जो लोगों ने यहाँ आकर के खांचपांच किया है बीच में हमारे भारत में, वो खत्म हो रहा है, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे फिर वो मुगल हो, चाहे फिर आदरणीय अखिलेश जी ही क्यों ना हो, जिन्होंने 8-8 जिलों के नाम यूं ही सडनली बदल दिए थे, जिनका कोई मतलब नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, इसका जवाब हम यहां लेंगे। भुवन जी, अगर पुरानी पहचान को रिक्लेम करने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी कर रही है तो बुराई ही क्या है? देखिए, मैंने कहा कोई भी जो नगर होता है, शहर होता है, जैसे बाल्डू का आपको बता रही है, उनके नाम बदलाव जो किया गया है, निश्चित तौर पे वहाँ का जो एक इतिहास होता है या वहाँ के लोगों की जो भावनाएं होती है वो आहत होती है। हम निश्चित तौर से इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सबका जमना तहजीब हमारे देश की संस्कृति है, ये एक छेड़छाड़ करने का काम करते हैं और निश्चित तौर पर इनके हाथ देने के टारगेट पे धर्म विशेष रहता है। और जब ये इस तरह की बातें करते हैं और परिवर्तन करते हैं निश्चित तौर पे, लेकिन 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 प्रोफेसर साहब, यहाँ पर महापुरुषों और शहीदों के नाम पर जो अगर नाम रखे जा रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? उससे तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए रेशु जी, मैं जरूर कहना चाहता हूँ, जो पहले से जो नाम है आप उसमें पाएंगे कि वहाँ के लोगों की भावनाएं, वहाँ के लोग वहाँ के, तो आपने क्यों बदले, अखिलेश जी ने क्यों बदले थे, ये आप पहले इसका जवाब दीजिए ना कि क्यों बदले थे वो 8 भावनाएं, तब आहत नहीं हुई थी, तब गंगा जमनी तहजीब कहाँ गई थी? आपने केवल गंगा जमनी या फिर भाईचारा, केवल चारा को देखा, भाई को खत्म कर दिया, तब कहाँ था? अगर आपको ये लगता, जबकि उन शहरों का जो नाम आपने बदला उनका कोई मतलब नहीं था। आप मुझे एक शहर के नाम का मतलब बता दीजिए तो मैं जानूं, उसका कोई अर्थ ठीक से निकल रहा हो तो मैं जानूं कि हाँ आपने बहुत गंगा जमनी। भुवन जी, भुवन जी, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, एक भी ऐसे शहर का नाम जो आपने बदला है बता दीजिए कि उसका क्या मतलब है। जी, मैं निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ, हमारी समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, हमने कभी कोई धर्म विशेष में कोई अंतर नहीं पाया। निश्चित तौर पर आप ये पा रहे, 6 साल के कार्यकाल में हम पा रहे कि योगी सरकार निश्चित तौर पर धर्म विशेष को टारगेट करके और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम करती है। इसके तो हम पूछ रहे भैया, यहाँ कहाँ आहत हो रही है? अगर फैजाबाद का नाम हटा करके, जो कि था नहीं है, तो न्यायपूर्ण बात है ना, वो हटा करके अगर अयोध्या कर दिया जा रहा है, अवध प्रांत कर दिया जा रहा है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? ये तो था ही, ये तो आपकी ये चालाकियां थी, आपकी ये बदमाशियां थी, जो मुगल लोग थे, मुगलों की बदमाशियां थी कि उन्होंने नाम बदल दिए थे। हमने तो फिर से वही किए हैं, हमने बदले नहीं, जो यथास्थिति था वो किया है क्योंकि लोगों ने आकर के बदल दिया था। तो हम लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको खुशी होनी चाहिए, आपको सराहना करनी चाहिए इन सारी चीजों का, लेकिन आप है कि हर तरीके से विरोध करते जा रहे हैं, लेकिन जनता इन चीज को समझती है। भुवन जी, आप एक सवाल का, भुवन जी एक सवाल का यहाँ पर एक लाइन में जवाब दे दीजिए कि क्या ये जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण हो रहा है इससे आपको कोई परेशानी है क्या? हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई अलग है, हम जो लड़ाई लड़ने का काम है, हम चाहते हैं कि इस देश में जितने धर्म है, जितनी जाति, जितने वर्ग है, उनको समान न्याय मिले, उनकी भावनाएं कभी आहत ना हो। निश्चित तौर पर 6 साल के कार्यकाल में हम पापड़ है कि योगी सरकार में आप देखिए लगातार, सर संस्कृति अगर वापस लौट रही है तो क्या भावनाएं आहत होंगी या खुश होने की बात है? ये देखिए आप, वो ऐसा लोगों को नहीं लग रहा था, तभी तो विरोध हो रहा है, जब विरोध हो रहा है तभी तो इसीलिए हो रहा है कि लोगों की भावनाएं निश्चित तौर तो आप ही कर रहे हैं ना सर, विरोध तो विपक्षी पार्टियां कर रही है ना ज्यादातर। तो रेशु जी, विपक्ष का काम ही होता है कि अगर अगर कोई चीज भावना लोगों की भावना के अनुरूप नहीं हो पा रही, लोगों की मतलब विपक्ष का काम होता है कि सरकार सरकार सत्ता में जो सरकार बैठी है वो कितना भी अच्छा काम कर ले, लेकिन विपक्ष को घेरना ही घेरना है किसी ना किसी मुद्दे पर। इसलिए हम इस तरह की नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले। अच्छा चलिए, मुझे एक जवाब भुवन जी से लेना है, मुझे वो बात याद आ रही है। कविता जी एक सेकंड, कंचन नाम है मेरा, कविता कविता नहीं सर, कविता नहीं, कंचन नाम है, सब एक दूसरे का नाम बदलने पर लगे हुए हैं, यहाँ कम से कम नाम तो मत बदलिए। आप ये लगातार आप देखो कि हम लड़ाई किसको लड़ने का काम, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने क्या कहा,
अखिलेश यादव जी ने कहा सदन में पहले दिन शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने कहा था अपने भाषण में कि रचनात्मक कार्यों में हम लोग सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन जो जन विरोधी काम है उनमें हम लोग सर तो वही तो पूछ रहे हैं ये जन विरोधी काम है क्या? बस यही बता दीजिए कि अगर पुराने वार्डो जो है उनका नाम अगर बदलकर महापुरुषों और शहीदों के नाम पर रखा जाता है तो क्या ये जन विरोधी है? ये जन विरोधी तब हो जाता है जब किसी धर्म विशेष की भावना यहाँ होती है। ना 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 ये तो अच्छा ये बताइए मुझे एक बात, मोहन जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, चाहे वो मुसलमान हो, मैं सीधा खुला बात कर लेती हूँ आज, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, दोनों के लिए गर्व की बात है कि उनके सेनानियों के लिए उनके देश के रक्षकों के नाम पर किसी जगह के नाम रखे जा रहे हैं। इसमें तो किसी को विरोध नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अगर आप विरोध कर रहे हो ना तो ठीक से अगर जनता ने इसका संज्ञान ले लिया, भुवन जी तो आप भी जानते हैं कि इसका कितना बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो मुसलमान आता, सच पूछो तो आदरणीय योगी जी हैं जो गंगा जमनी तहजीब निभा रहे हैं जो कि अखिलेश जी ने नहीं निभाई। गंगा जमनी तहजीब का मतलब ही यही है कि जो हमारे देश के लिए काम करते हो, ना मुसलमान हो ना हिंदू हो ना किसी धर्म से ताल्लुक रखते हो, ऐसे लोगों के नाम पर जिन्होंने शहीद होकर के अपने आप को भारत के लिए कुर्बान किया हो, ऐसे लोगों के नाम पर अगर किसी जगहों के नाम रखे जा रहे हैं तो ये गर्व का बात है और ये जनता इस बात को समझती है, जानते हैं, अच्छे लोग इसके साथ होंगे। भुवन जी मैं कहना चाहता हूँ हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी है उनसे कहना चाहता हूँ, जो लोग 80-20 की बात करके सत्ता में आए हो वो लोग गंगा जमुना तहजीब को नहीं मानते। तौर पर माइंड सेट कर दिया है जनता का, ये जनता ने अगर जनता ने इस बात को आपकी समझा दी तो इसका अगर जनता ने इस बात को समझा होता तो कम से कम मेरे समय में आप ना बोले। भुवन जी आप कहाँ हैं और हम कहाँ हैं? जनता ने इस बात को भी समझा है, आपने बहुत सेट किया माइंडेड लेकिन बना नहीं। वो इतना देखिए आप भुवन जी कि आपका ही क्षेत्र रामपुर चला गया, आपका ही गढ़ जहाँ पर आप लोग गर्व करते थे, अब तो वहां पर समाजवादियों को जाने से शर्म आनी चाहिए कि आपका गढ़ जिसे कहा जाता था वो भी भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गया है। तो इसका मतलब आप समझते हैं यहाँ पर भेदभाव बिल्कुल नहीं है। कंचन जी आप सत्ता में है, आप सत्ता में है लेकिन विपक्ष को बोलने का भी जरा मौका दीजिए, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। भुवन जी बिल्कुल ठीक है, मैं इनको कहना चाहता हूँ कंचन जी को जरूर अपना राजनीति साथ ठीक करना चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ देश में कांग्रेस का नारा होता था इंदिरा ही इंडिया, इंडिया ही इंदिरा, यानी कि इंदिरा ही भारत और भारत इंडिया। वो कैसे गायब हुए वो आपने देखा, अटल बिहारी वाजपेयी देश के लिए काम नहीं किया इसलिए गायब हो गए। कंचन जी के साथ यही प्रॉब्लम है मुझे, कंचन जी सुन लीजिए कभी-कभी सुनना भी चाहिए। जी सुन भुवन जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस है, कांग्रेस ने नारा दिया था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यानी भारत ही भारत इंदिरा है और इंदिरा भारत है। उसका आप देखिए हालत क्या हुई, अटल बिहारी वाजपेयी देश के नहीं विश्व के नेता होते जब गायब हुए तो पता नहीं चला। ये इनका इनका अहंकार है सत्ता का, इनको बताना चाहता हूँ राजस्थान के विद्यार्थी है सत्ता इस वक्त से। हम कहना चाहते हैं कंचन जी, हम कहना चाहते हैं इनसे कि जो सत्ता में आए थे वो चाहते जरूर है समय अवधि, इसलिए जो सत्ता का जब समय होता है, जब आपका पक्ष का समय होता है तो विपक्षियों को भी थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा उसकी बातों को भी जनता सुनना चाहती है, उसको भी देश पर धैर्य रखे। आपको बहुत अच्छा समय ऋषु जी ने दिया है, कम से कम हमारे समय को डालो आप। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही डिबेट में जुड़ने के लिए और आज के हमारे खास कार्यक्रम में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।